डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दो सिक्के, 1 रुपए का एक सिक्का 1990 में जारी किया जाता है, दूसरा 10 रुपए का सिक्का 2015 में जारी किया जाता है। और बहुत सारे लोगों के पास में ऐसे सिक्के अवेलेबल भी हैं और वो लोग सेल भी करना चाहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वो लोग ये डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये सिक्के उनको कितनी वैल्यू दे सकते हैं, क्या इन सिक्कों का कलेक्शन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये सभी सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा मात्रा में है। सभी सवालों को मैं एक साइड में रखकर ये वीडियो आप लोग को समझाने वाला हूँ, जिससे आप लोग ये कंफर्म कर पाएंगे कि रेयर सिक्का कौन सा है, कॉमन सिक्का कौन सा है, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिक्के आपको कुछ वैल्यू दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या फिर ये सिक्के फ्यूचर में रेयर होने वाले हैं या नहीं होने वाले। ये सारे ही सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले। तो गाइज, अगर आप लोगों ने भी भीमराव अंबेडकर के इन सिक्कों का कलेक्शन किया है और सेल करना चाहते हैं, या फिर कलेक्शन करना चाहते हैं इन सिक्कों का, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे से समझिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कौन से सिक्के रेयर हैं और कौन से सिक्के कॉमन हैं। आज के इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो गाइज, इस वीडियो में और आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद में स्क्रीन पे पड़े हुए 1 रुपए के इस सिक्के को ध्यान से देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दो सिक्के पड़े हुए हैं, ये सिक्के का ओवर भाग है और ये सिक्के का रिवर्स साइड है। दोनों सिक्कों को देख सकते हैं आप लोग अच्छे से। ये सिक्के 1990 में जारी किए गए थे। 6 ग्राम वजन होता है इन सिक्कों का और 26 mm की साइज होती है इन सिक्कों की, और थिकनेस होता है 1.5 mm। सिक्के के बीच में आप लोग देखते हैं, रिवर्स साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोर्ट्रेट बना हुआ है, और बाहर का जो ये रिम है, इस रिम में आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदी और इंग्लिश में दोनों साइड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखा हुआ है, और नीचे जन्म सती लिखी हुई है 1990 सेंटेनरी देखने को मिलती है। तो ये सिक्के का रिवर्स भाग है और ये सिक्के का ओवर भाग है। देख सकते हैं ऊपर की साइड में बीच में अशोक स्तंभ है, उसके नीचे सत्यमेव जयते है, और उसके नीचे डिनोमिनेशन 1, एक साइड भारत रुपये लिखा हुआ है, दूसरी साइड इंडिया रुपीज लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। 1 रुपए के इन सिक्कों को भारत के 2 मिनटों में जारी किया गया था, मुंबई और हैदराबाद की मिंट से। 1 रुपए के इन सिक्कों की अगर कीमत की बात की जाए तो ये आपको ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते हैं, 50 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में अपने आप में वैल्यूशन रखते हैं दोनों ही सिक्के। हैदराबाद मिंट का सिक्का थोड़ा सा रेयर होता है, वो सिक्का आपको 60-70 रुपए दे सकता है, बाकी जो मुंबई मिंट का सिक्का है वो आपको 50 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में दे सकता है। इसमें एक म्यूल वैरायटी आती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम कॉमन सिक्के की बात कर रहे हैं। कॉमन सिक्का 1 रुपए का आपको इतनी ज्यादा ही वैल्यू दे सकता है, इससे ज्यादा वैल्यू 1 रुपए के इस सिक्के में नहीं मिल सकती। अब बात कर लेते हैं उस 10 रुपए के सिक्के के बारे में। तो गाइज, अब आप देख सकते हैं 10 रुपए के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिक्के को, जो कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 10 रुपए का रिवर्स भाग और ये है ओवर भाग, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ओवर भाग में आपको 10 देखने को मिलता है डिनोमिनेशन, बीच में अशोक स्तंभ है और उसके बीच में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि रिम के अंदर ही अशोक स्तंभ है, और बाहर की साइड में भारत इंडिया देखने को मिलता है। इधर अगर रिवर्स भाग में देखते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोर्ट्रेट बना हुआ है बीच में, और बाहर की साइड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश में देखने को मिलता है। ये सिक्का बायोमेट्रिक कॉइन है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, दो अलग अलग मेटल में इस सिक्के को जारी किया गया था। भारत की 4 मिनटों से इस सिक्के की ढलाई की गई थी, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा की मिट से। 2015 में इस सिक्के को जारी किया गया था, 8 ग्राम वजन के साथ में, 27 mm की साइज सिक्के की है और 1.8 mm थिकनेस है इस सिक्के का। यह है कॉमन सिक्का, और कॉमन सिक्के की वैल्यू की बात की जाए तो यूएनसी कंडीशन में सिक्के आपको 50 रुपये 60 रुपये तक की वैल्यू दे सकते हैं, एक्स्ट्रा फाइन वेरी फाइन कंडीशन में 10-12 रुपये 20 रुपये से ज़्यादा इस सिक्के की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। जो मैंने आपको बता दिया, मतलब यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये मिल सकता है तो उस सिक्के की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये कॉमन है, मतलब इन सिक्कों की उतनी कोई खास वैल्यू नहीं है। अगर कलेक्शन करना चाहते हैं तो आप लोग 1-1 मिनट का सभी सिक्के रख सकते हैं, बाकी अगर इस सिक्के में कोई एरर है तो उसकी वैल्यू उसके हिसाब से तय की जा सकती है। तो गाइज, अब तक हमने बात की 1 रुपए और 10 रुपए के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कॉमन सिक्कों के बारे में, जिनकी वैल्यू यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए तक चली जाती है। अब बात करते हैं उस रेयर सिक्के की, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थीम्स के साथ में 1 रुपए के डिनोमिनेशन के साथ में जारी किया जाता है। वो सिक्का कैसे रेयर हो जाता है
और उसकी क्या वैल्यू मिल सकती है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस रेयर सिक्के को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले इस सिक्के को ध्यान से देखना है। जो लोग करेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं वो लोग इस सिक्के को देखकर कुछ ना कुछ तो समझ गए होंगे, और जो लोग नहीं समझे उनको अभी समझ में आने वाला है, उनको मैं समझा देता हूँ। ये जो सिक्का है जो रिवर्स साइड है जिसमें आपको डॉटेड सर्कल बना हुआ देखने को मिलता है, लेकिन सिक्के के ओवर भाग में आपको एकदम प्लेन एज देखने को मिलती है, इसमें आपको वो डॉटेड का सर्कल देखने को नहीं मिलता है। ये एक म्यूल कॉइन है। कैसे म्यूल होता है इसको समझने के लिए वासुदेव कुटुंबकम का ये वाला 1 रुपए का सिक्का ध्यान से देखिए, जिसको 1990 में जारी किया गया था। ये सिक्का दोनों साइड से देखते हैं तो इसमें आपको डॉटेड सर्कल नहीं देखने को मिलता है, मतलब इसका जो दोनों साइड का रिम है वो एकदम प्लेन रिम है, और जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 1 रुपए का सिक्का है इसमें आपको डॉटेड सर्कल देखने को मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिक्के को म्यूल बनाता है वासुदेव कुटुंबकम का सिक्के का ओवर भाग, मतलब इस सिक्के का ओवर भाग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिक्के में यूज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से उस सिक्के का एक भाग में आपको डॉटेड सर्कल देखने को मिलता है जबकि ओवर भाग में आपको प्लेन एज देखने को मिलती है। तो ये एक म्यूल कॉइन बन जाता है। इस म्यूल कॉइन की कीमत की बात करने से पहले आप लोग इस सिक्के को एक बार ध्यान से देख लीजिए और यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लेना है, क्योंकि कुछ लोग सिक्के को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और डायरेक्ट फोटो भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो रिवर्स भाग है उसमें आपको प्लेन सर्कल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डॉटेड सर्कल नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपके पास में ऐसा प्लेन सर्कल का सिक्का होता है तब आपको इस सिक्के की वैल्यू क्या मिल सकती है? अगर UNC कंडीशन में होता है तब आपको एक सिक्के की कीमत 1500 से 2000, मतलब 1500 से 1800 या 2000 के बीच में मिल सकती है। ये एक इस्टीमेट है, अब यहाँ पे मैं फिक्स कीमत नहीं बताऊंगा, थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। और जो एक्स्ट्रा फाइन वेरी फाइन कंडीशन में सिक्का होता है तब भी आपको 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक की वैल्यू दे सकता है। इसके बाद में फाइन कंडीशन के सिक्के की तो आप लोग खुद भी अंदाज लगा सकते हैं क्या वैल्यू मिल सकती है, मतलब 500 रुपये से ऊपर मिलेगी। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि एक एस्टिमेट होती है, थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है। तो गाइज उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाली वीडियो का इंतजार करना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। इससे क्या है ना, हमें भी थोड़ा सपोर्ट होगा और जो आपके दोस्त लोग हैं जिन लोगों को नहीं पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिक्के रेयर होंगे या नहीं होंगे, इन सिक्कों की क्या वैल्यू चल रही है, या फिर इन सिक्कों का कलेक्शन करके कुछ लोग बैठे होंगे, तो उन लोगों के पास में भी ये जानकारी पहुंच जाएगी और वो भी एक सही जानकारी की तरफ चले जाएंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे पूरा करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।